दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के कलेक्टिव प्रोड्यूसर उद्यमों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि का बड़ा हिस्सा मिले। मध्य प्रदेश में विमेन डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी ऐसी ही एक शुरुआत है। दूध का उत्पादन, दूध का कलेक्शन, बाजार तक दूध समय से, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। वैल्यू चेन डेवलपमेंट के तहत दूध की हर बूंद पहुंचे बाजार तक कम खर्च पर, ये दास्तान है महिलाओं की, महिलाओं द्वारा राष्ट्र के लिए दूध उत्पादक कंपनियों की। रामश्री, एक किसान महिला। गरीबी का दुष्चक्र तोड़ने को शुरू किया स्वसहायता समूह। ये राधा भाई की बचत आ रही है, 20 रुपए। सरकार की तरफ से मिला ऋण। हमने एक एक भैंस ली थी, हम सब ने स्टार्टिंग दूध से की थी। व्यापारियों को दूध बेचने जाते तो हाथ लगता शोषण। दूध देने जाते सही नाप तोल नहीं मिलता हमें। कुछ सदस्यों के पास घर के लिए दूध अलग करने के बाद बेचने के लिए बहुत कम दूध बचता, जैसे आधा लीटर। इतना सा दूध व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं। इससे हमारा दूध भी वेस्ट जाता, तो पैसे भी टाइम से नहीं देता था, कभी महीने भर में, कभी 2 महीने में। दूर दराज इलाकों में किसान अपना उत्पादन बाजार तक पहुंचा पाएं, इसलिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने कदम बढ़ाया। लक्ष्य, दूध उत्पादक कंपनी जिसके केंद्र में हो स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, जो हर जिम्मेदारी उठाएं। ये हमारा लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर। एनिमल हस्बेंड्री बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मिल्क एक बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन था, जिसके माध्यम से हम इनको और ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर कर सकते थे। NDDB डेयरी सर्विसेज को जोड़ा गया बतौर तकनीकी भागीदार। जो कंपनी बनेगी उसके अपने स्वामित्व में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, तो पूर्ण ऑटोनॉमी कंपनी को दी। घर घर जाकर महिलाओं को दूध उत्पादक कंपनी से जुड़ने को प्रेरित किया गया। महिलाएं स्वयं कंपनी चला सके, इसके लिए उन्हें दी गई ट्रेनिंग, उनके साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट और बाजार से सीधा संपर्क। अस्तित्व में आई मालव महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी। रामश्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ कंपनी चलाने की बागडोर। डायरेक्टर बनने के बाद में हमें सर दिल्ली लेके गए थे, तो दिल्ली में हमारी 3 दिन तक ट्रेनिंग हुई थी। सभी काम तयशुदा, आसान और कारगर तरीके से होते हैं। घर में पशुओं को दोहना, दूध को कलेक्शन सेंटर तक लाना, कलेक्शन सेंटर की जिम्मेदारी सहायकों पर। दूध में फैट कंटेंट की वैज्ञानिक जांच की जाती है। फैट कंटेंट के आधार पर ही दूध का मूल्य तय होता है। कितना दूध उसने दिया, किस क्वालिटी का दूध उसने दिया और कितनी उसकी भुगतान के लिए राशि बनती है, एक पर्ची जनरेट हो जाती है। और पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है और वो सेंट्रल जो डेटाबेस है उसमें चला जाता है। साथ ही महिला के फोन पे आ जाता है SMS के जरिए मैसेज, और 10वें दिन महिला के बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। उनको जब इकोनॉमिक रिटर्न्स अपने हाथ में मिलता है, देन दे रियलाइज दैट व्हाट इज द इकोनॉमिक पोटेंशियल दैट दे वर सिटिंग ऑन। कलेक्शन सेंटर से दूध पहुंचता है चिलिंग सेंटर। वैज्ञानिक जांच और ठंडा करने के बाद दूध को पहुंचा दिया जाता है थोक खरीदारों यानी बल्क बायर्स के पास। जब तक हम जीवता है तो डेयरी भी चलाएंगे और दूध भी देंगे और मवेशी भी रखेंगे। दूध का उत्पादन सीधे जुड़ा है पशुओं की सेहत से। पशुओं की बेहतर नस्ल के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के टेक्नीशियंस। पशु सखियों का जिम्मा पशु पाठशाला में महिलाओं को समझाना कि पशुओं की बेहतर देखभाल कैसे हो, उनके लिए बेहतर चारा कैसे उगाया जाए, चारा देने से पहले खास पोषक तत्व ताकि पशुओं को मिले संपूर्ण आहार। ये चारा खिलाने से हमारे पशु ज्यादा दूध देते हैं। 2018 में शुरू हुई इस मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी ने मुनाफा कमाना भी शुरू कर दिया है। जितनी बचत हुई है ना सर, सभी को परसेंटेज बेस पर बोनस भी हमने वितरित किया है।
सफलता और सपनों की उड़ान अब थमेगी नहीं। मालव दुग्ध उत्पादक कंपनी मध्य भारत की 5 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक होगी और उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी। सर, हमने ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित अनेक उत्पाद, उनकी मूल्य वृद्धि हो और एक बड़े मूल्य श्रृंखला निर्माण हो, इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। हमारे स्व सहायता समूहों को उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके, उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके और वो देश के नवनिर्माण में अपना योगदान कर सकें, इस दिशा में यह प्रयत्न भारत सरकार का है। मैं इस अभियान के माध्यम से सभी बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं जो स्व सहायता समूहों में काम कर रही हैं, उनको इस प्रकार के संगठित उद्यम बनाने के लिए आगे आना चाहिए और उन्हीं को इन उद्यमों का नेतृत्व करना चाहिए, जिससे आने वाले कल में जो हमारी के कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली बहनें हैं, उनको अपने उत्पाद का ठीक प्रकार का मूल्य प्राप्त हो सके। मध्य प्रदेश का ही जिला सागर, यहाँ भी शुरू हुई मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। कुछ ही महीनों में यहाँ भी साबित हो गया कि मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का मॉडल एक रेप्लिकेबल और सस्टेनेबल मॉडल है। 2018 में दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत पहली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी शुरू हुई। एक साल का छोटा सा समय, मध्य प्रदेश के 3 जिलों की करीब 10,000 किसान महिलाएं आज इन कंपनियों के साथ जुड़ी हैं। हर रोज दूध इकट्ठा होता है 20,000 लीटर। महिलाओं को 1 लीटर दूध की कीमत मिलती है 38 रुपए। बहुत जल्द यही प्रोग्राम अपनाया जाएगा मध्य प्रदेश के 2 और जिलों में। बिहार के 3 जिले और यूपी के 4 जिले भी इस प्रोग्राम से जुड़ने वाले हैं। उम्मीद है इससे लाभ मिलेगा स्व सहायता समूहों से जुड़ी 1,00,000 सदस्यों को। कल इनकी पहचान थी छोटे पिछड़े सीमांत किसान, आज ये हैं एक कंपनी की मालिक। इन्हें खुद पर गर्व है, ये इनकी सफलता का पर्व है। इन्होंने फिर साबित किया है लहरों से डर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।